अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा तबस्सुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाबा गनूश और ब्रिंजल सैलेड भी कह सकते हैं। ये टर्किश डिश है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स ये हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी मिल जाएंगे। तो मैंने इसमें दो टमाटर लिए हैं, ये एक टमाटर आपको शो कर रही हूँ जो मैंने पील किया है अभी। देन एक फर्स्ट आपको पार्सले लेनी है, देन ताहिना लेना है आपको, ये ऑप्शनल है लेकिन ये डलता है और अच्छा फ्लेवर देता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये मैंने टू ब्रिंजल लिए हैं, इसको मोटा मोटा काट के, इतना देखिए स्लाइस मैंने कितने मोटे रखे हैं इसके। देन आपको इसको शैलो फ्राई करने हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। तो ऑयल डीप फ्राई आपको नहीं करना है, तो शैलो फ्राई करना है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ऐसे ऐसे कलर आना चाहिए, ये मत सोचिएगा ये जल रहा है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है लाइक दिस। तो आपको सारे ब्रिंजल ऐसे शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ हमारे ब्रिंजल हो गए हैं दोनों तरफ से कुक। फिर आपको एक बाउल में मैंने चार क्लोव्स ली हैं गार्लिक के, उसको चॉप कर डाल दिया है। फिर उसी में आपको पार्सले जो मैंने लिया है एक फिश, उसको चॉप करके बारीक बारीक करके डाल दीजिएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब गार्लिक में हमने एड कर लिया है पार्सले, देन उसमें आपको एक पोमेग्रेनेट डालना है। और फिर जो हमने टोमेटोस को पील किए थे उसको बारीक बारीक चॉप करेंगे। और उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने ब्रिंजल फ्राई करा है उसमें ऑयल अगर आपका बचा है तो उसी ऑयल में आप इन टोमेटोस को हल्का सा नमक डाल के इनको इसमें अच्छे से पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक के लिए हम ब्रिंजल को जरा सा मैश करेंगे, इसको बारीक मैश नहीं करना है, इसको मोटा मोटा ही छोड़ना है, वही उसका फ्लेवर और बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। तो चलिए इसको मैश करके हल्के हल्के कूटना है, देखिए बिल्कुल बारीक नहीं करना है। देन आप इसको ऐड कर दीजिए बाउल में जिसमें हमने पार्सले, पोमेग्रेनेट एंड गार्लिक ऑलरेडी ऐड किया है। देन इसको आप सारा ब्रिंजल कर देंगे। देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे ताहिना। एंड यस, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इस टाइम पे रेड चिली फ्लेक्स जरा से डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं ताहिना, जिसमें जो मैंने लिया है 3 टीस्पून, और ये अवेलेबल है तो इजीली अवेलेबल होता है। तो आपको 3 टीस्पून करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यस, ध्यान दीजिएगा अपने टोमेटोस पे जो फ्राई ऑलमोस्ट हो गए हैं मेरे फ्राई। तो इसमें हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करते हैं। और इसमें आपको ऐड करना है लेमन, लेमन का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, वो ज्यादा ही लेमन होता है। तो आप आधा लेमन भी कर सकते हैं और 3/4 भी, जितना आपको खट्टा चाहिए। देन हमारे टोमेटोज हो गए हैं, वो हम ऐड कर देंगे इसमें, ये देखिए। और फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। एंड ये सर्व करने से पहले इसको ठंडा करना मत भूलिएगा, ये ठंडी ठंडी जरा खाई जाती है, तो आप इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद आप इसको गार्निश करिए पार्सले से। होपफुली आपको मेरी ये डिश और सैलेड और बाबा गनूश मैंने जो बनाया है आपको पसंद आए। तो प्लीज स्टे ट्यून, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड प्लीज लीव द कमेंट बिलो। अल्लाह